नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक वर्ग है जिसकी भुजा है 10 मीटर। ठीक है, इसके चारों ओर एक चौड़ा रास्ता बनाया गया है, इस रास्ते की चौड़ाई है 2 मीटर। ठीक है, तो यहां से यहां तक भुजा की लंबाई 10 तो पहले थी, 2 इधर की 2 उधर की जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, 14 मीटर। ठीक है, ये हमने लिख लिया कि जो वर्ग था पराना उसकी लंबाई कितनी थी, एक भुजा की 10 मीटर, चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो हमने 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना लिया। इससे जो बाहर का वर्ग बन रहा है उसकी भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 14 मीटर। बस इतना ही खेल है, अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, बाहर वाले में से अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा जो बीच का रास्ता बचा हुआ है उस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्या है, रास्ता है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, अब यहां पर 2 वर्ग बने हैं, एक अंदर की साइड है एक बाहर की साइड है, तो हम लिख लेंगे अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, उसकी भुजा है 10 मीटर तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालेंगे बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, अब बाहर वाले वर्ग की भुजा कितनी आई, 10 के साथ 2 इधर का और 2 उधर का दोनों जोड़ेंगे तो 14, तो 14 का स्क्वायर होगा और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप छोटा वर्ग या बड़ा वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं, या वर्ग एक या वर्ग दो नंबर भी देके लिख सकते, वो कुछ नहीं है, दोनों के क्षेत्रफल को हमें माइनस करना है, बड़े वाले में से छोटा माइनस होगा तो निकलेगा रास्ते का क्षेत्रफल। बाहर वाले वर्ग का कितना आया है, 196 मीटर स्क्वायर, अंदर वाले का कितना है, 100 मीटर स्क्वायर, 196 में से 6 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 96 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो वर्ग के चारों ओर रास्ता बनाया गया है उसका क्षेत्रफल कितना है, 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक बात और होती है कि कभी कभी पूछ देता है, उसने कहा उसके चारों ओर, ठीक है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो ये बाहर की तरफ रास्ता बना है, अब कभी कभी अंदर की तरफ भी कह देता है, तो जब अंदर की तरफ रास्ता बनाया जाए तो हमें भुजा में से उस रास्ते की लंबाई को 2 बार माइनस कर देना है जो कि रास्ते की चौड़ाई हो, जैसे हमने यहां भुजा में इस रास्ते की चौड़ाई को 2 बार प्लस किया, 2 मीटर 2 मीटर, जब ये हमारा 14 आया था। अगर यह रास्ता अंदर बना होता तो हम इस भुजा में से 2 बार रास्ते की चौड़ाई को माइनस करते, मान लेते हैं कि इसके अंदर ही अगर 2 मीटर का होता तो 10 में से 2 माइनस 2 करते तो 6 मीटर अंदर वाले वर्ग की भुजा आती। ठीक है, तो इस प्रश्न को 2 तरह से पूछा जाता है, एक बाहर रास्ता बना दे या एक अंदर रास्ता बना दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा प्रश्न कहे उसको आपको वैसे ही लगा देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।